हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलो मैं आज आपको बताता हूँ कि कैसे आप ब्लॉगर में आप एक जो ब्लॉगर में आप खुद का एक वेबसाइट बना सकते हैं। जो सब्सक्राइबर लिंक है यूट्यूबर्स जो बनाते हैं कि उससे ज़्यादा उनकी सब्सक्राइबर बने, तो वैसा आप लिंक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे लिंक बनाना है तो उसमें तरीके होते हैं। ठीक है, मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगा, क्योंकि अभी मेरा लॉग इन है जीमेल, तो इसलिए थोड़ा सा नहीं दिखा सकता। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी लिंक दिखाएगा कि हाँ ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है हमने। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये मेरे वेबसाइट जो है innocentwin.com, और मैं इसका लिंक भी दे दूँगा। इसमें आप जाके मैंने बिल्कुल आराम से अच्छे तरीके से बता रखा है कि कैसे आप यूट्यूब सब्सक्राइबर में इसे बना रखा है कि कैसे आप यूट्यूब सब्सक्राइबर जनरेटर वेबसाइट की आप बस डालें अपने YouTube का लिंक और आपको मिल जाए। ठीक है, उसके लिए डेमो में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा डेमो है, डेमो चैनल है। मैं जैसे कि मैं अपने YouTube के वेबसाइट पे चला जाता हूँ। ठीक है, youtube.com पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप माय चैनल में जाता हूँ। ये मैंने चैनल का वो है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें जाता हूँ, इसमें मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और जैसे जनरेट पे ओके करूँगा ये जनरेट हो गया। ठीक है, अब इसे बस हमें कहीं भी क्या करना है, कॉपी करना है। और अगर देखता हूँ मैं, अगर दूसरा कोई ब्राउज़र होगा तो मैं अभी टाइप दिखा देता हूँ, शायद एक्सप्लोरर तो होना चाहिए। हाँ, एक्सप्लोरर है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें जीमेल मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं है, तो इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो जैसे ही लॉगिन करके मैंने पेस्ट कर दिया है इसमें, और जैसे कि ये वेबसाइट खुलेगा तो आप देखेंगे कि ये सबसे पहले सब्सक्राइब करने का ही ऑप्शन मांगेगा, और कुछ ऑप्शन मांगेगा ही नहीं। थोड़ा सा नेट स्लो है, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, तो YouTube खुल गया है ऐसे तो, लेकिन थोड़ा सा नेट की वजह से। चलो मैं एक और में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 1 तक आ रहा है। ठीक है, इसमें आ रहा है। चलो, तो मैं कोई नहीं, इस थोड़ा इंटरनेट एक्सप्लोर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इसलिए मैं इसे में नहीं दिखाना चाह रहा था। तो चलो मैं अपने ही में ही दिखा देता हूँ कैसे होता है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मेरा अभी लॉगिन इसलिए वो दिखाएगा, लेकिन ये देखिए ये कह रहा है सब्सक्राइब मैंने नहीं कर रखा। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आर यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब। ठीक है, कितनी बार भी आप करेंगे, जो भी इस लिंक पर ओके करेगा वो दिखाएगा कि आपको सब्सक्राइब करने का। ठीक है, तो ये कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं कैसे आप YouTube में बना सकते हैं, तो ये मैंने बस एक डेमो दे दिया है आपको कैसे काम करता है ये। ठीक है, अब आप कंप्लीट एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं ब्लॉगर पे ऐसा, जो कि जैसे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर होता है, टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर होता है, तो अगर ऐसा आप बनाना चाहते हैं तो ये आप बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले बता रखा है, ब्लॉगर में जाना है, न्यू ब्लॉग में जाना है, चूज़ करना है, यूनिक आपको लेना है, उसके बाद क्रिएट पे कर देना है, उसके बाद थीम पे जाना है, एरो पे जाना है, मैंने साथ में फ़ोटो भी डाल रखा है, स्विच फर्स्ट जनरेशन पे जाना है। ये सबसे ध्यान रखिएगा, स्विच जनरेशन पे आपको जाना ही पड़ेगा, विदाउट बैकअप कर सकते हैं क्योंकि नया है हमारा। एडिट एचटीएमएल, उसके बाद आपको पेश करना है, तो मैं आपको पहले ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ अब अपने ब्लॉगर पे। आपको जो इसमें लिखा हुआ है यही चीज़ मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, न्यू ब्लॉग पे जाना है, कुछ भी टाइटल चेक कर लेना है, लिख लेना है, मैं अभी चेक कर रहा हूँ तो इसलिए चेक लिख लेता हूँ, कुछ भी आप लिख लेंगे। यूनिक लिखना पड़ता है तभी होता है। ठीक है, मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आना है थीम में। थीम में आने के बाद आपको एरो पे क्लिक करके फर्स्ट जनरेशन क्लासिकल थीम पे जाना है। ठीक है,
विदाउट बैकअप या बैकअप आप कुछ भी एक चूज़ कर सकते हैं, नया है तो हम विदाउट बैकअप ही ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद आपको HTML पे एडिट करना है। अब यहाँ पे पूरा HTML का कोड चलता है, सेलेक्ट ऑल करना है, डिलीट कर देंगे और उसके बाद जो हमने कोड यहाँ से कॉपी किया था ये वाला हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको सेव कर देना है, ठीक है। बैक जाना है, व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, न्यू में करेंगे क्लिक, तो अब आप देखेंगे कि ये आपके एक जनरेटर बन गया है, ठीक है। तो आपका एक जनरेटर बन गया है। अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। ये मेरा यहाँ तक का है आईडी, ठीक है। क्लिक जनरेट पे करेंगे, जनरेट ये बन गया, ठीक है, यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया है, मैंने इसके बाद अब दूसरा मेथड है। अगर आप जैसे मेरी तरह जैसे मैंने ब्लॉगर के अंदर ही बना रखा है तो वो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है। अगर आपने ऐसे कर लिया है तो ये आपको काम नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे कि मैं न्यू पेज में बना देता हूँ, मैं पेज पे गए, HTML पे जाना है, सेलेक्ट ऑल और हम पेस्ट कर देंगे डिलीट के बाद। सॉरी, ये जो दूसरा वाला है हमें पेज पे कैसे बनाना है, तो उसके लिए जो दूसरा कोड है वो हम कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी कर लेंगे, पेज पे आना है, सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, डिलीट, पेस्ट, ठीक है। कंपोज में जा सकते हैं, ये देखिए बन चुका है, ऐसे टाइटल दे देंगे, सब्सक्राइब मैं दे देता हूँ, सब्सक्राइब, ठीक है। पब्लिश कर देंगे, कंफर्म, ठीक है। अगर आप ये प्रीव्यू देखेंगे तो नहीं होगा, पेज नॉट फाउंड, क्यों नहीं हो रहा अब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये थीम में जाके हमने ना क्लासिकल पे कर दिया, यहाँ पे इसके ना हमने जो कोड डाल रखा था वो कुछ नहीं है। तो अगर ये वाला कोड करना है आपको तो हमें सेकंड जनरेशन पे ही रहना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें ये ऐसा स्क्रीन दिखा रहा था। अगर ऐसा स्क्रीन आपका सेकंड जनरेशन में हो आप तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखिए मैं इसमें जाता हूँ, ठीक है, ये वाला मैं बंद करके ये कर देता हूँ, या रिफ्रेश करता तो वो भी काम कर जाता, लेकिन इसमें जाएंगे। अब ये देखिए मैं व्यू पे जाता हूँ, व्यू पे जाते देखिए आ गया है ना, सेम ही आप अगर चाहें तो, सॉरी मैंने पेज दोबारा सेलेक्ट कर लिया, पोस्ट पे भी कर सकते हैं। पोस्ट बनाना चाहें तो आपका इंडेक्स हो जाएगा, पेज नहीं इंडेक्स होता थोड़ा जल्दी, या होता भी तो नीचे होता है, तो पोस्ट में आप जाके इस कोड को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिश कर देंगे, ठीक है। पब्लिश के बाद ये देखिए, अब ये देखिए पोस्ट में डेट आता है और मंथ आता है, लेकिन पेज में पी दिखाता है ना। तो ये है, मैंने तीनों तरीके से बता दिया, यही तीनों मैंने बता रखा है, कोड भी साथ में दे रखा है कि इस पर क्या पेस्ट करना है। आप देखें, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। और भी मेरा बहुत सारे मैं डालता रहता हूँ, अभी इस नया वेबसाइट मैंने अपने नाम से जो है चालू किया है वो तो मैंने डाला है, आने वाले दिनों में बहुत सारे मैं पोस्ट डालने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग वीडियो का भी डालता हूँ, ब्लॉगर स्क्रिप्ट डालता हूँ, तो ये जैसे भी आप पोस्ट चाहें वैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो बिल्कुल बताना ना भूलें, और ये वाला अगर आप खुद बनाए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा पोस्ट और किस वेबसाइट पे बनाया है, जैसे कि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ कि मेरे किसी भाई ने बनाया है, ठीक है। तो प्लीज़ यार, अगर है तो बिल्कुल इसी लिंक से जनरेट करने के बाद मेरा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, इमीडिएट सब्सक्राइब योर सेल्फ, मैं अपने आप को सब्सक्राइब नहीं कर सकता ये बोल रहा है इसमें, ठीक है। तो यार प्लीज़, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो बताना बिल्कुल मत भूलना, थैंक यू, बाय बाय।